देखिए मोटा जलेबा। बेटा तेरी भूल की याद पूरे हिमाचल में बज गई, तब तक सर हिमाचल में बज चुकी थी। और उठा ना मेरी है, अरे शिमला तक जानी चाहिए आवाज यार। मजा आ गया फ्रेंड्स, मजा आ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुधा रावत सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से फिर से आपके साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज की जो ब्लॉग की शुरुआत है वो कर रही हूँ मैं शाम से, और शाम आज बहुत अच्छे होने वाली है क्योंकि जो दिन का जिस दिन का मुझे इंतजार था वो दिन फाइनली आ गया। आज कलाग्राम में आ रहे हैं हमारे कुलदीप शर्मा जी, नाटी किंग कुलदीप शर्मा जी, तो हम लोग जा रहे हैं उनको देखने। और ये देखिए पतिदेव की चाय भी यहीं लेके आई हूँ मैं, क्योंकि नहीं तो लेट हो जाते हम लोग, तो मैंने बोला मैं चाय बाहर ही लेके आती हूँ, गाड़ी में पी लेना। तो ये चाय की, अदरक वाली चाय की एंजॉयमेंट हो रही है। और ये जो कप है ना, ये देखो इसमें हमारी फोटो है, दिखाओ अंशु, ये देखो मेरी दिख रही है, मेरी अंशु की और पापा की है ना। मीठी आप नहीं थे बेटा तब, तो ये वाला मैं बाहर ही लेके आ गई, मैंने कहा आप चाय रास्ते में पीना, नहीं तो लेट हो जाएंगे। देखते हैं कि कैसा माहौल है कलाग्राम में, हम लोग निकल पड़े हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए चंडीगढ़ में फॉग काफी ज्यादा होने लग गई है, क्योंकि प्लेन एरिया है तो यहाँ पर फॉग का ज्यादा रहता है और ठंड भी पहले से काफी बढ़ गई है ना। अब तो फाइनली जैकेट्स निकालनी पड़ेगी, हमने तो अभी ज्यादा कुछ निकाला नहीं था, बस हल्का फुल्का ही था, बट अब फाइनली निकालना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड्स नाटी किंग का की नाटियां शुरू हो चुकी है, जहां तक मेरा आइडिया। हाँ ये है बेटा, और देखो मेरे को तो आवाज मुझे यहाँ तक आ गई है, तो आई एम सो मच एक्साइटेड, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार मेरी जन्मभूमि से कोई आए हैं तो मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो गई है। और लाइट आ गई, अब मुझे ये हो रहा मैं कब वहां पहुंचू और कब मैं सुनू और कब हम नाटी में थिरके। तो चलो चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से राइट टर्न लेके हमने ये सामने वाली पार्किंग में जाएंगे। यहाँ तक आवाजें आ रही है फ्रेंड्स। अंशु से हाय, मिठू मिठू कहाँ है मिठू, छोटा सा मिठा, जैकेट की जिप लगाओ बेटा, जैकेट की जिप लगाओ। मैंने डबल जैकेट पहनी है फ्रेंड्स, हाफ जैकेट अंदर से फुल जैकेट बाहर से। ऑलवेज पापा की गोदी, इतनी बड़ी लड़की पापा गोदी चढ़ गई। आजो आजो चलो उतरो नीचे। फ्रेंड्स यहाँ पर टिकट ली जा रही है, 50 रुपीज ईच टिकट है यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स ये है टिकट। चलो 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 चलो, अरे वाह गुड यार, बच्चे फ्री है फ्रेंड्स, सिर्फ हमारी दो की लगी है। हमारी बहने हमारे भाई का डांस कर रहे हैं, वहां चले जाए मजा आ जाएगा, वहां कोई नहीं रोकेगा। हो तेरा मुख हसेना बतेरा और उठ जाना मेरी है, अरे शिमला तक जानी चाहिए आवाज यार। कौन कौन रोडू गया है जरा,
करोगे यहाँ पे जरा? सबका ध्यान रखना पड़ा, फिर कोई पंजाबी नहीं गाऊंगा टूटी फूटी यार, गा देता हूँ थोड़ा। ओ भेड़ा तेरिया हो, चुक दिया बात नीली मां, पहाड़े दा बसना दिल लुट ले गया हो तेरा हसना, ओ इना बढ़िया जो तुड़का घर वालों के लिए तो पूरे 100 नंबर है, 100 में से 100 यहां वाले अभी 50 पे अटके हुए, 100 में से 50, 100 में से 70 पीछे है, 100 में से 100 वहां थोड़े 10-20 वाले हैं, वहां भी जरा पूरा पास मार्क तो आ जाए ना। कितने मेरे सामने तो 33 नंबर चाहिए होते थे, क्योंकि मेरे 33 नंबर ही आए हैं। 12वीं में 3 बार लगातार फेल, टीचरों ने बोला बेटा कि तू, अब सच्ची बात बता रहा हूँ, कि टीचरों ने मुझे कहा कि बेटा तू ढोलकी बजा, और हुआ गया सर कि उसके बाद जब मेरे 5-7 कैसेट हिट हुए उसके बाद मुझे वो सर मिलते हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तेरी ढोलकी आज पूरे हिमाचल में बज गई। तब तक सर हिमाचल में बज चुकी थी।
फ्रेंड्स, इतना सारा मजा और डांस करने के बाद अब लगी थी भूख और अब जा रहे हैं हम लोग फूड स्टॉल की तरफ। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी हैंडमेड चीजें भी लगी हुई है। ये देखिए, ये कितने सुंदर सुंदर डिजाइन, देखो स्कर्ट बनी हुई है, ये फ्रॉकीज बच्चों की, मतलब ये क्रोशिया की बनी हुई है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सुंदर सुंदर चीजें यहाँ पर है। ये सारी ही वुडन की चीजें हैं और हैंडमेड है सारी, सबसे बड़ी बात। ये देखिए पायदान, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलग अलग कलर के थे, बहुत ही सुंदर। ये देखिए कितने सुंदर से है ना, ये अंदर से लाइटिंग वाइटिंग हो रखी है इसके अंदर, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और सब कुछ ही ये हैंडमेड होता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इतने खूबसूरत फ्लावर्स ना, और ये भी हैंडमेड ही फ्लावर्स है और बहुत ही अलग तरह के थे ये तो सारे, जैसे मतलब कुछ अलग ही था। मेरे पास शब्द नहीं है इनको बयां करने के लिए, क्योंकि इतने सुंदर ये फ्लावर्स लग रहे थे ना। और ये देखिए, अंशु को भी बड़े पसंद आ रहे थे ये, और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते, ये एज इट इज ही रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर इतनी सारी खाने की वैरायटीज थी ना, अलग अलग। ये देखो भाई साहब बना रहे थे, यहाँ पर साग भी था, मक्की की रोटी भी थी, मतलब बहुत कुछ था फ्रेंड्स। तो बहुत मन तो कर रहा था सब कुछ खा लो, लेकिन थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये देखिए गर्मा गर्म जलेबा। फ्रेंड्स, इसका नाम है जलेबा, वो देखिए। और देखो ये बन के तैयार हो गया जलेबा। फ्रेंड्स, ये देखिए मोटा जलेबा, 100 रुपए का एक है। मिठू खाओ, गरम है। इतना मजा आया कि मैं, शब्द नहीं है मेरे पास बयां करने के लिए कि कितना मजा आया। इतना ऑसम नाइट थी आज कुलदीप शर्मा जी के साथ। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा हमने खा पी भी लिया, और अभी तक आवाज आ रही है कुलदीप शर्मा की, लेकिन अब कल बच्चों के स्कूल भी है, तो इसलिए मैं घर निकल रही हूँ। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे दोस्तों, एंड फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।